नेक्स्ट है साडे कोल, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट डिवेलपमेंट ऑफ मॉरल वैल्यूज थ्रू टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ सोशल साइंस इन क्लासरूम। स्पष्ट है जदों ही मॉरल शब्द आता है जिंदगी विच, क्योंकि मॉरल की मैं एको ही परिभाषा बनाई हुई है। दूसरा कोलबर्ग की थ्योरी याद होती है, फस्ट वट इज़ गुड और वट इज़ बैड, एथिकल क्वेश्चन। ठीक है, बेशक कोलबर्ग ने गुड बैड नू जस्टिस दे नाल जोड़ के समझाया है सामनों। मैं जल्दी नाल ये देखांगा कि गुड बैड किसे विच है। नंबर एक मैनू गुड बैड, गुडनैस एंड बैडनैस इतने मिल गया, मैं राइट आंसर इस नू जल्दी चूज करांगा जेकर मेरे को टाइम नहीं है। दूसरा ऑप्शन, मान लो मैनू मॉरल दी ए डेफिनेशन नहीं पता, हालांकि वट इज़ राइट एंड रोंग, वट इज़ गुड एंड बैड इस दी डेफिनेशन है, लेकिन दूसरा तरीका की है। मैं जल्दी नाल देखिया कि बहुत ज़्यादा लोंग टेल है, मैं लोंग टेल नू देख के इत्ते फोकस किया। याद रखना है लोंग टेल जदों स्टैम पॉजिटिव है, इस स्टैम पॉजिटिव है, जे इहदे विच हुंदा कि विच इज़ नॉट रिलेटड है ना, जां इनकोरैक्ट इस तरह कुछ लिखा होंगे, इट मीनस फिर नैगेटिव स्टैम, फिर लोंग टेल वाला रोंग हो सकता है, शॉर्ट टेल इज बैटर चूज। पर तुसी फोकस करना है, इतने मैं मेरे को घट टाइम से इसलिए मैं जल्दी नाल क्या कि ये सही होने की संभावना ज़्यादा है। मैं मन में सोचा कि 90% सही होने की संभावना यदि ज़्यादा है, 80% इसकी ज़्यादा है। फिर मैं इस पर विचार किया, डिवेलपमेंट ऑफ स्टूडेंट ऑफ इंटलैक्चुअल पोटेंशियल एंड एक्विप्ड विद प्रॉपर थिंकिंग एंड रीजनिंग पावर एनेबल दैम टू प्रॉपर डिसीजन बाय वेटिंग द प्रो एंड कॉन्स गुडनेस एंड बैडनेस इन ए पर्टिकुलर डीड्स। दो गल्लां हैं, रीजनिंग डिवेलप की और गुड एंड बैड। सो एक कोहलबर्ग की सीधी थ्यूरी हो गई कंस्ट्रक्टिविज्म, कोहलबर्ग की सीधी थ्यूरी है जे तुहानू उसकी समझ है। सो इसनू मैं जो थ्यूरी ना मैच कर रहा है वो राइट आंसर ही होएगा है ना। सो बाकी दे शॉर्ट आंसर हैं, हाँ इवैल्यूएट करना तुसी कर सकते हो, डिवेलपिंग स्टूडेंट इनटू कॉम्पिटेंट एफिशिएंट इफेक्टिव सिटीजन, गुड बैड की कोई गल नहीं आई, एक्वेंट विद द यंगर जनरेशन विद द ट्रेडिशन ऑफ अवर कल्चर एंड वैल्यूज हेल्ड बाय अवर, वैल्यू थोड़ा जहा दस रहा है, लेकिन बैटर है कि तुसी उन्हां च सेंस डिवेलप, थिंकिंग डिवेलप करो, कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज होवे उन्हां दी गुड बैड दी। सो ये बैटर ऑप्शन है, अकॉर्डिंग विद स्टूडेंट्स सोशल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोसेस रिलेटेड विद वन सोशल एनवायरमेंट, नॉलेज बेस्ड है, गुड एंड बैड नाल कोई संबंध नहीं है इसका। चलो अगे चलते हाँ, विच वैल्यू इज ड्राइव्ड थ्रू सोशल साइंस टीचिंग विच प्रोवाइड अ चैनल एंड एंट्री फॉर वेरियस ऑक्यूपेशंस, वेरियस ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशंस अवेलेबल एट द पर्टिकुलर टाइम पीरियड ऑफ सोसाइटी। पोलिटिकल वैल्यू, पोलिटिकल कोई नहीं देता, प्रोफेशनल एंड पोलिटिकल बिल्कुल नहीं है। प्रैक्टिकल वैल्यू, इतने सीधा प्रोफेशन की गल की गई है, पोलिटिकल तो प्रैक्टिकल हाँ क्वेश्चन मार्क हो सकता है। डिसिप्लिनरी वैल्यू, जे तुहानू डिसिप्लिन नहीं समझा, अनुशासन नहीं समझा, सबजैक्ट समझे रखो, सबजैक्ट सबजैक्ट, ठीक है, डिसिप्लिन सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल साइंस इज ए डिसिप्लिन, ओके, सोशल साइंस इज ए डिसिप्लिन, हिस्ट्री इज ए डिसिप्लिन। सो डिसिप्लिनरी वैल्यू, दूसरा डिसिप्लिन अनुशासन, दूसरा है कि तुसी अपने बिहेवियर नू कंट्रोल करना है, गुड एंड बैड, गुड नू ऑप्ट करना है, बैड नू अवॉइड करना है, उसका ही मीनिंग बनता है, लेकिन ये वो नहीं गल बन रही कोई भी इस तरह की। सो इसे किसी भी तरह का मेरे ख्याल सब का सही आंसर होएगा, क्योंकि जो ऑक्यूपेशन तो प्रोफेशन शब्द है, वोकेशन उदा ही समान अर्थी है, तो डायरैक्ट हिंट ये दिखाई देता है, हिंट के जरिए असं इसको सॉल्व कर सकते हैं, तुसी वो हिंट पहचानने की प्रैक्टिस करनी है। अगे चलिए, अरेंज द फॉलोइंग एक्टिविटी क्लासरूम इंट्रैक्शन इन अ सीक्वेंस ऑफ स्पेसिफिक ग्लेजर, ग्लेजर मैं पता नहीं है, मैं की करना है, मैं नंबर एक मैं चूज करना है, एक वीडियो इतने कड़ी सी अरेंजमेंट वाली कि वो दस्या ऑब्जेक्टिवस हमेशा ही स्टार्टिंग फेज में आते हैं, दूसरा ये दस्या असैसमेंट हमेशा ही लास्ट फेज में आते हैं, लास्ट स्टार्ट
ठीक है, ये दो हिंट मेरे को मिले। मैं बाकी पढ़िया असैसमेंट एंट्री बिहेवियर की भी है, हुण मैं देखना है कि ए भी असैसमेंट है, ए भी असैसमेंट है, ये चो लास्ट केड़ा आएगा, क्योंकि एंट्री वर्ड ने इस तो पहला करती असैसमेंट, परफॉर्मेंस जो पूरी कम हो जाता उस तो बाद सबमिटिव असैसमेंट होंगी है। इट मीनस पांच नंबर लास्ट से जे आता है, सॉरी चार नंबर लास्ट से आना चाहिए है और दो नंबर शुरू से आना चाहिए है। दो नंबर शुरू से इतने आ रहा है, चार नंबर इतने आ रहा है, मैं जल्दी ना राइट आंसर इसनों लगा देवगा। किस तो पहचान की मैनू नहीं पता, इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर मैनू नहीं पता, मैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव शब्द सुनी चुकिया ते असैसमेंट या इवैल्यूएशन शब्द चुकिया ते मैं देखिया किहड़ा ऑप्शन ये मैक्सिमम फिट हुंदा है वो लगा दिता।